कल हम लोगों ने पोइम स्टार्ट की थी डावर बीच, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी हुई, जिसमें हम लोगों ने कुछ की पॉइंट्स किए थे। जो सबसे की पॉइंट जो मेन था वो ये था कि पोइट बहुत अफसोस व्यक्त कर रहा है, जो इंसान का आध्यात्मिकता लॉस ऑफ मैंस फेथ ऑन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी, और इसका वो कारण मानता है एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो विकास होता चला जा रहा है उसको वो इस चीज़ का कारण मानता है, ठीक है। और तीसरा वो मानता है नो ट्रू लव, वो ये मानता है कि आज की दुनिया में कहीं पे भी सच्ची खुशी, सच्चा प्यार या सच्चा शांति जैसी कोई भी चीज़ नहीं रह गई है। तो ये चीज़ें पढ़ के फोर्थ पॉइंट में हम लोग एनालाइज करते हैं एक्सट्रीम ऑफ पेसिमिज्म। हमें ऐसा लगता है कि पोइम निराशावाद को बढ़ावा दे रही है आज की दुनिया में, बट एंड में पोइट निराशा में भी आशा की किरण ढूंढता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवरी ब्लैक आउट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। जैसे किसी अंधेरे कमरे में अगर हम लोग अंधेरा कर दें तो एक छोटा सा अगर छेद भी उस कमरे में या थोड़ा सा सुराग भी कहीं पे रह जाए तो उस कमरे से जो लाइट आती है उस पूरे अंधेरे को दूर कर देती है। उसी प्रकार से पोइट भी एक ऐसा माध्यम ढूंढता है जिससे कि वो पूरी की पूरी निराशा को वो दूर कर देता है। और वो माध्यम क्या है वो हम लोग जब पोइम का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे उसमें जाके हम लोग क्लियर करेंगे। तो कल हम लोगों ने पोइम का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें एनालाइज़ की, एक कि पोइट शब्दों में डावर बीच से, जो कि इंग्लैंड साइड का कोस्ट है, वो कह रहा है कि डावर बीच से वो फ्रेंच कोस्ट को देख रहा है और उस समय वो कुदरत की खूबसूरती को चरम सीमा पर महसूस कर रहा है, और उसके साथ साथ वो उस खूबसूरती को महसूस करने के लिए अपनी वाइफ को भी रिक्वेस्ट करता है, और वो उसे कहता है कि वो भी उसके साथ खिड़की में आए और उस कुदरती खूबसूरती का आनंद उठाए, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि पोइम जो है वो एक लव पोइम है, ठीक है, और हमें ऐसा लगता है कि पोइम जो है वो एक हैप्पी मूड में या हैप्पी या ऑप्टिमिस्टिक नेचर को लेके चल रही है। और पोइट यहाँ पे दो चीज़ें भी करता है, वो हम लोगों को जो आजकल इंसान जो कुदरत से टूटता चला जा रहा है, हमें बैक टू नेचर, जैसे जॉन कीट्स ने कहा था कि जो कुदरत है वो एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय है, नेचर इज़ एवर लास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय। नेचर हमारे लिए एक ऐसा माध्यम है जो आनंद का असीमित, कभी ना ख़त्म होने वाला स्रोत है। तो वो भी बिल्कुल उसी प्रकार से हम लोगों को कुदरती खूबसूरती के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे ही पोइम थोड़ी और आगे बढ़ती है तो पोइम का जो नेचर है आशावाद से बिल्कुल निराशावाद में होना शुरू हो जाता है। पोइट को जो लहरों के आने के और जाने के साथ जो कंकर समुंदर के किनारे से टकराते हैं और जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ के आने और जाने का कैसे, जब लहरें आती हैं आवाज़ आनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो कंकरों को किनारे पे आकर मारती हैं, और जब लहरें चली जाती हैं तो आवाज़ आना बंद हो जाती है। तो वो जो म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा था लहरों के आने और जाने के साथ कंकरों का किनारे से टकराने से, पोइट को उस म्यूज़िक के अंदर एक एटर्नल, कभी ना ख़त्म होने वाली उदासी का आभास होता है। वो कहता है ये संगीत तो है बट कैसा संगीत, जिसके अंदर उदासी ही उदासी है। तो यहाँ तक हम लोग फिर फर्स्ट पार्ट में ये एनालाइज कर सकते हैं। सो वी सी दैट इन स्टार्टिंग द पोइम अपीयर्स टू बी अ लव सोनेट बट देन सडनली द टोन ऑफ द पोइम चेंजेस फ्रॉम हैप्पी टू सैड, रिमाइंडिंग हिम ऑफ द सोरोज एंड सफरिंग्स sorrows of the world as the going back of the waves leaves a seashore naked. Similarly, this has brought before the writer the true and gloomy picture of the world. तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वो दुनिया की एक बहुत ही gloomy, बहुत ही दुख भरी, बहुत ही दर्द भरी तस्वीर पेश करने की एक कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से जब लहरें किनारे को छोड़ के जाती हैं तो वो उस लहरें को बिल्कुल खाली छोड़ जाती हैं, रेती रेत रह जाती है, उसी प्रकार से जब हम लोग, वो कहता है कि दूर से दुनिया बहुत खूबसूरत, जब हम लोग इसको नज़दीकी से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ पे
कोई खूबसूरती, कोई हंसी, कोई खुशी नहीं नज़र आती, वहाँ पे हमें आज की दुनिया में हर तरफ दुख ही दुख नज़र आता है। ठीक है, और इसीलिए फर्स्ट पैराग्राफ में जहाँ पे स्टार्टिंग में उसने कुदरती खूबसूरती की बात की है, सेकंड हिस्से में पोइट ने किस चीज़ की बात की, उसने पोइट ने बात की है दुख की, उदासी की, और उस उदासी का कारण ढूंढने की। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब पोइम, क्योंकि कल ही बताया था मैंने, पोइम चार हिस्सों में डिवाइडेड है। तो पहला पार्ट कुदरत की खूबसूरती लुत्फ उठाना, फिर दुख, दुनियावी दुख दर्दों का एहसास होना। अब दूसरा पोर्शन क्या है, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोइम द पोइट कंपेयर्स एंड आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद द ग्रीक प्लेराइट नाटक लिखने वाला सोफोकल्स, हु माइट हैव, सोफोकल्स राइटर का नाम है, हु माइट हैव हर्ड सेम टाइप ऑफ म्यूजिक अलोंग द शोर, शोर होता है किनारा, ऑफ द एजियन सी, एजियन नदी, ठीक है, समुंदर का नाम है, एंड दैट माइट हैव रिमाइंडेड हिम ऑफ द मीजरीज ऑफ द ह्यूमन लाइफ लाइक इट डिड टू द पोइट दैट रिजल्टेड इन राइटिंग ग्रेट ट्रेजडीज बाय सोफोकल presenting the dark and gloomy picture of the society and the world. So clearly in this part he identifies himself with the great Sophocles. ठीक है, तो इस हिस्से में पोइट अपने आप को ग्रीक लोगों का एक बहुत ही मशहूर इंग्लिश लिटरेचर में या ग्रीक लिटरेचर में एक लेखक हुआ है सोफोकल्स, जिसने बहुत ही बड़ी बड़ी बहुत ही फेमस दुख भरी ट्रेजेडीज़ लिखी है। ट्रेजेडी क्या होता है, दुखांत, जिसके अंत में सब करेक्टर्स, जो मेन करेक्टर है उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने भी एक तरीके से दुनियावी दुख दर्दों को अपने नाटकों के ज़रिए लिखने की कोशिश की थी, और राइटर अब अपने आप को उसी सोफोकल से कंपेयर करता है या उसी से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, और वो ये सोचता है शायद इसी प्रकार से सोफोकल्स ने भी एजियन नदी के किनारे बैठ के ऐसे ही संगीत को सुना होगा जिसने कि उसको इस दुनियावी या इस इंसानी ज़िंदगी के दुख दर्दों का एहसास करवाया, और वो एक ग्रेट पोइट बड़ा बन के निकला जिसने कि बहुत ग्रेट ग्रेट ट्रेजेडीज़ लिखी, दुखांत वाली कहानियाँ लिखी। और इस तरीके से वो ये मानता है कि जिस तरीके से सोफोकल्स ने दुनिया की दुख भरी तस्वीर पेश की, ठीक है, शायद उसी प्रकार से पोइट को भी, पोइट भी ऐसे ही दुख भरी तस्वीर अब पेश करेगा। यानी कि अब हम लोग इस यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं सेकंड पोर्शन में कि पोइट अपने आप को डायरेक्टली सोफोकल्स के साथ कंपेयर कर रहा है, और वो अपने आप को एक रीज़न दे रहा है कि जैसे सोफोकल्स ने ग्रेट ट्रेजेडी शायद एजियन नदी के संगीत को सुन के लिखी होंगी, जैसे पोइट को डॉवर बीच के यहाँ पर इंग्लिश चैनल की जो लहरें हैं उसने एहसास करवाया कि दुनिया में सुख ही नहीं है, दुख भी हैं, जिसने उसे ये एहसास कराया कि सुख और दुख जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। वो बिल्कुल उसी प्रकार से शायद एजियन नदी के संगीत ने सोफोकल्स को ये एहसास दिलाया होगा, और वो एक ग्रेट ट्रेजेडी ट्रेजिक पोइट बनके, एक ग्रेट दुख भरा पोइट बनके दुनिया के सामने पेश हुआ, जिसने कि दुनिया की दुख भरी, दुनिया की एक अंधेरी, अंधेरी कौन सी अंधेरी, ये वाली अंधेरी नहीं जो अंधेरा दिन और रात वाला अंधेरी, जहाँ पे दुख ही दुख है, कहीं पे कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती, ऐसी सोसाइटी की तस्वीर अपनी पोइट्री में या अपने ट्रेजडीज़ में बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो हम लोगों ने दो पोर्शन किए। फर्स्ट पोर्शन फिर से एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन में पोइट ने कुदरती खूबसूरती को व्यक्त किया, उस खूबसूरती को का आनंद उठाने के लिए अपनी वाइफ और हम लोगों को इंस्पायर किया, फिर उसी खूबसूरती के दौरान उसको समुंदर की लहरों ने दुनियावी दुख दर्दों का एहसास दिलाया, और उसे ये पता चल गया कि सुख और दुख, हार और जीत, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों अलग नहीं हो सकते। और उस समय उसको ऐसा लगा कि दुनिया खूबसूरत नहीं है, हर तरफ उदासी ही उदासी है। और दूसरा पार्ट जहाँ पे वो अपने आप को ग्रेट सोफोकल्स के साथ कंपेयर करता है, और वो ये सोचता है कि सोफोकल्स भी इसीलिए ग्रेट ट्रेजिक पोइट बना
क्योंकि उसने भी शायद इसी प्रकार से एजियन नदी के किनारे ऐसा ही उदास म्यूज़िक सुना था जिसने कि उसको दुनिया के दुख दर्दों का एहसास दिलाया, और उसने उस दुख दर्दों को अपनी रचनाओं में जगह दी और दुनिया की एक डार्क और ग्लूमी एक दुख भरी तस्वीर उसने अपनी पोइट्री में पेश की। अब हम लोग थर्ड पोर्शन करते हैं जिसमें पोइट जो है वो इन दी थर्ड पार्ट ऑफ द पोइम, पहले पढ़ लेते हैं, लेमेंट्स ओवर, लेमेंट होता है अफसोस करना, ओवर द लॉस ऑफ ह्यूमन फेथ, फेथ विश्वास फ्रॉम गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी। इट मेक्स द पोइट वेरी सैड। द पोइट टेल्स दैट देर वॉज अ टाइम वैन द फेथ वॉज फुल टू ब्रिम ब्रिम ऊपर तक एंड प्रोटेक्टिंग द अर्थ एंड ह्यूमन फ्रॉम मिजरीज एंड इवल क्वालिटीज, बट विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी द पोइट टेल्स दैट फेथ इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी हैज़ स्टार्टेड टू रिसीड, कम हो जाना। द पोइट कंसिडर दिस लॉस ऑफ फेथ ऑन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी एज द मेन रीजन फॉर द सफरिंग ऑफ द मॉडर्न मैन। यहाँ तक हम लोग आज करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पोर्शन में पोइट क्या कह रहा है? थर्ड पोर्शन में पोइट ये मानता है कि आज की दुनिया में जो दुख दर्द भरी कंडीशन है उसका मुख्य कारण क्या है। वो कहता है कि उसका मुख्य कारण यही है कि हम लोगों का भगवान के ऊपर से या आध्यात्मिकता के ऊपर से जो विश्वास है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग हर एक चीज़ में लॉजिक रीजनिंग ढूंढते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ है तो कैसे है। हम लोग भगवान के ऊपर से हमारा जो विश्वास कम हो गया या ख़त्म हो गया, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग अपने आप को ही गॉड के बराबर समझना शुरू कर दिया साइंस और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के कारण। और ये जो चीज़ है पोइट को बहुत दुखी कर रही है। पोइट कह रहा है कि एक टाइम था कि ये जो विश्वास था वो हमारी पृथ्वी, हमारा भगवान के ऊपर, आध्यात्मिकता के ऊपर, वो ऊपर तक भरा हुआ था, जैसे समुद्र की लहरें ऊपर तक भरी हुई हैं, उसी प्रकार से वो कहता है कि एक टाइम था इंसानों का भी भगवान के ऊपर ऐसा ही विश्वास था। और उस विश्वास का मेन काम क्या था राइटर के अकॉर्डिंगली? वो कह रहा है कि उस विश्वास का जो मेन काम था राइटर के अकॉर्डिंगली वो ये था कि वो विश्वास हमें गलत करने से, हमारे अंदर गलत भावनाओं को या गलत आदतों को आने से रोकता था। हम लोग हर बार सोचते थे कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गॉड या भगवान या किसी सुपर नेचुरल पावर की नज़रों में क्या सही है या गलत है। एक तरीके से वो एक सुरक्षा कवच के जैसा हमारे लिए काम करता था, जो कि हम लोगों की सुरक्षा करता था बुरी इलविल या बुरी भावनाओं से या बुरे गुणों से। बट वो कहता है कि जैसे जैसे, बट विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो कह रहा है कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होता चला गया, हम द पोइट टेल्स दैट द फेथ ऑन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी हैज स्टार्टेड टू रिसीड। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होता चला गया वैसे वैसे ही इंसानों का भगवान और आध्यात्मिकता के ऊपर से जो विश्वास था कम होता चला गया। यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं या जब हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, जब हम लोग कॉलेज में होते हैं, हम लोगों को एक डर होता है कि मैं कुछ गलत करूँगा तो मेरे पेरेंट्स ऐसे करेंगे, मैं कुछ गलत करूँगा तो वो सामने वाला इंसान मुझे ऐसा करेगा। बट जब वो डर हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है तो हम लोग कभी भी गलत करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ और गॉड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए पोइट ये मानता है कि ये सबसे बड़ा लॉस है आज की दुनिया का। और वो ये भी नहीं कहता कि साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास ज़रूरी नहीं है, वो कहता है साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास भी ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग पीछे रह जाएंगे प्रोग्रेस की दौड़ में। बट उसके साथ साथ हम लोगों को अपना जो भगवान और आध्यात्मिकता के ऊपर जो हमारा विश्वास कम हुआ है, उस विश्वास को दोबारा से हम लोगों को पक्का करना पड़ेगा। और यही प्रमुख कारण है आज के इंसान के टाइम के साथ दुख दर्दों के बढ़ते चले जाने का, ठीक है। तो बाकी हम लोग कल करते हैं, ठीक है। थर्ड पोर्शन थोड़ा सा, और जो फोर्थ और लास्ट पोर्शन है उसको हम लोग कल डिटेल में करेंगे, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।